हेलो गाइस, सो कैसे आप सभी। आई होप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो आज आप सभी के सामने पेश है जबरदस्त बिल्ड क्वालिटी वाली प्रीमियम हैचबैक कार टाटा एल्ट्रॉस। एंड यहां पे आप लोग देख रहे हैं एल्ट्रॉस के एक्सएम प्लस सीएनजी वेरिएंट को। तो आज इसी का आपको प्रॉपर डिटेल रिव्यू देखने को मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रंट फेशियर देखिए एकदम स्पोर्टी से लग रही है ये हैचबैक कार, जिसकी प्राइस रेंज स्टार्ट हो जाती है 6,65,000 से। टॉप मॉडल में जाएगा 12 लाख के आसपास तक। इस गाड़ी में आपको पेट्रोल सीएनजी के साथ साथ बढ़िया डीजल का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले फ्रंट फेशियर की तरफ आइए चलते हैं। ग्रे कलर में अभी आप यहाँ पे कार को देख रहे हैं। पहले से कुछ यहाँ पे अपडेट भी आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे न्यू वाला देखेंगे टाटा का लोगो, ग्रिल का पैटर्न पहले से पूरा चेंज आपको दिखेगा इस कार के साथ। हेडलैम्प्स की बात करें तो नॉर्मल वही हैलोजन बेस यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स का पूरा सेटअप देखने को मिलता है। इसी में यहाँ पर रहेंगे इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। एंड यहाँ पे इस वेरिएंट में कोई भी DRL फॉग लैंप्स अगर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लोअर ग्रिल पूरी रहती ब्लैक कलर की। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm का रहेगा इस हैचबैक कार के साथ। यहाँ पे हो गया इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट। ऊपर देखेंगे इसका पावर एंटीना। साइड प्रोफाइल देख लीजिए इस प्रीमियम हैचबैक कार की। अभी इसका एक्सएम प्लस वेरिएंट देख रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगे जरूरत के सारे फीचर्स, चाहे रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की हो, व्हील कवर्स हो, टच स्क्रीन हो, ऑटो फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स हो। सो ये वेरिएंट यहाँ पे रहने वाला पूरा वैल्यू फॉर मनी। बाकी इस वेरिएंट के साथ 16 इंचेस के नॉर्मल से स्टील आपको दिए जा रहे, व्हील कवर्स रहेंगे एंड आगे डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। टायर प्रोफाइल यहाँ पे देख लीजिए 185 cc आर्स 16 इंचेस के रहेंगे इसमें रेडल के टायर्स। ये भाई साहब पता नहीं टायरों को कितना पैर अपने फेंडर से, यहीं पर इंडिकेटर्स मिलते हैं। टॉप में जाइए इसके बेस मॉडल में। आउटसाइड मिरर्स ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, इस तरह कुछ यहाँ पे चाबी। जब भी गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे ना एक्सएम प्लस वेरिएंट, तब भी आपको यहाँ पे ऑटो फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स इसके मिलने वाले हैं। ये इस तरह फ्लिप रिमोट सेंट्रल लॉकिंग की रहेगी, दूसरी रहेगी यहाँ पे मैनुअल फिजिकल की। और इसके बाद अब आई चलते इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। ये देख लीजिए यहाँ पर रहने वाली एकदम स्पोर्टी कार की पूरी बैक प्रोफाइल। ग्रे कलर में आप इसको देख रहे हैं, ग्रे, व्हाइट, रेड, ओपेरा ब्लू, हर्बल ब्लू, गोल्ड एंड डार्क कंडीशन, जैसे आपको उसमें काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। वारंटी की बात की जाए तो ये 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की यहाँ पर वारंटी मिलने वाली टाटा एल्ट्रॉस के साथ। सेफ्टी जानते जो यहाँ पर इसकी फेमस रहने वाली 5-स्टार की ग्लोबल इनकैप ने इस गाड़ी को क्रैश टेस्ट में 5-स्टार की सेफ्टी रेटिंग प्रोवाइड की हुई है। एंड इस सेगमेंट की किसी भी कार से कंपेयर करिए देखने में भाई साहब नो डाउट एकदम तगड़ी सी लगती है स्पोर्टी सी ये हैचबैक कार। सबसे पहले आइए बैक में देखते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा टाटा का लोगो, लोगो के जस्ट नीचे एल्ट्रॉस की रहने वाली बड़ी सी बैजिंग, हैलोजन बेस यहाँ पे इसकी बैकलाइट्स रहने वाली है नॉर्मल बल्ब वाली, इसी में इंडिकेटर्स रिवर्स लाइट देखने को मिल जाएंगी। इस वेरिएंट के साथ कोई भी आपको रियर वाइपर डिफॉगर यहाँ पे नहीं मिलेगा। CNG वेरिएंट है तो यहाँ पे देखेंगे CNG का स्टिकर, हाई माउंट स्टॉप लैंप। एंड स्पेशल थैंक्स SRM मोटर्स कानपुर रोड लखनऊ, जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका दिया। इनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ पे एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। और साइड में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसके स्पोर्टी पैड, बम्पर वगैरह सेम बॉडी कलर, दो अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर रहने वाले, रिफ्लेक्टर्स वगैरह देख लीजिए दोनों साइड। टॉप में आपको फॉग लैंप्स भी यहाँ पे मिलते हैं पीछे की तरफ। नीचे यहाँ पे स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट, राइट साइड में इसका एग्जॉस्ट पाइप। स्पेयर व्हील भाई साहब इसलिए लगाओ क्योंकि आप इसका CNG वेरिएंट देख रहे हैं, अदरवाइज अंदर रहता है यानी कि बोर्ड स्पेस में। अब आइए आपको दिखाते हैं इस कार का बोर्ड स्पेस। ये भाई साहब टैंक खुल गया, कहने को CNG वेरिएंट है, कहीं पर भी आपको टैंक नहीं दिख रहे ना। काफी बड़ा आपको बोर्ड स्पेस मिलता है 345 लीटर का। और टैंक लगने के बाद मान के चलिए 200 लीटर के आसपास बोर्ड स्पेस यहाँ पर रहने वाला है इस कार में। नीचे यहाँ पे देख रहे ना 30-30 किलो के दो यहाँ पे सिलेंडर लगे हुए हैं। एंड स्पेयर व्हील तो है नहीं, खोलने का ऑप्शन ये रहेगा जो मैंने आपको नीचे देखा ना, बोल्ट है इसको खोल के अपना बढ़िया सा स्टेपनी वाला टायर निकाल सकते हैं नीचे से। यहाँ पे अपना ट्रॉली बैग, झोले बैग जो भी पूरा आराम से रख दीजिए। पार्सल ट्रे भी देख सकते हैं यहाँ पे आपको दी गई है, हुक वगैरह रहेंगे जहाँ पे पन्नी थैली कुछ भी अपना छोटा मोटा सामान टांग सकते हैं दोनों साइड। मतलब टैंक भी लगा उसके बाद आपको बड़े से भी स्पेस मिलेगा इस हैचबैक कार के साथ। तो ये यहाँ पे हो गया भाई साहब बंद इसका टेलगेट। अब बात करेंगे इसके रैवल्स के बारे में। तो टाटा एल्ट्रॉस का सीधा सा कॉम्पिटिशन मारुति बैलेनो हुंडई i20 जैसी गाड़ी के साथ होता है, लेकिन एल्ट्रॉस का सबसे प्लस पॉइंट रहता है इसकी बिल्ड क्वालिटी, जो जबरदस्ती आपको मिलती है 5-स्टार की। बाकी यहाँ पे डायमेंशन वगैरह वही आपको इसमें दी जाएगी, 3990 mm की इस गाड़ी की यहाँ पे लेंथ, लंबाई 1755 mm की इसकी विद, एंड 1523 mm की इस गाड़ी की यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाएगी। पीछे फ्यूल फिलर कैप जहाँ से डलवाएंगे पेट्रोल, 37 लीटर मिलती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। ये पीछे वाली डोर खोलेंगे तो सारी डोर्स यहाँ पे 90 डिग्री खुलने वाली आराम से, इस तरह देख लीजिए। डुअल टोन में डोर ट्रिम, ऊपर यहाँ पे इसका डोर ओपनर, नीचे रहेगा पारुंडो का कंट्रोल, स्पीकर्स बॉटल होल्डर आपको मिलते हैं इनकी डोर्स में। तो सीट्स का यहाँ पे लेआउट देख लीजिए, सारी फैब्रिक की रहने वाली इस वेरिएंट के साथ। टॉप में जाएंगे जैसे डार्क कंडीशन वगैरह में तो आपको वहाँ पे लेदर की सीट्स मिलती है इस कार के साथ। गाड़ी के अंदर बैठने के बाद ये देखेंगे इसका आगे का बेहतरीन सा पूरा व्यू, डुअल टोन में दिया गया टच स्क्रीन, यहाँ पे इसी के सारे कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल, सब भी आगे चल के आपको दिखाएंगे प्रॉपर डिटेल में। बट यहाँ पे पीछे आपको कोई भी इस वेरिएंट के साथ रियर इवेंट्स नहीं मिलेंगे, स्पेस हालांकि दिया गया अपने खुद भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और बैठने के बाद अब बात आती है इसकी स्पेस की।
तो ये यहाँ पे रहने वाला है इसका लेगरूम नीरूम, क्योंकि यहाँ पे 2501 mm का व्हीलबेस मिलेगा, तो एकदम बैठेंगे यहाँ पे कंफर्टेबल हो गए इस प्रीमियम हैचबैक कार के अंदर। इधर की डोर ट्रिम वगैरह देखिए, पूरी डुअल टोन में हैंडल वगैरह पीछे यहाँ पे देखेंगे रहेगी पार्सल ट्रे, तो इसमें भी अपना कुछ भी हल्का फुल्का छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। हेडरेस्ट वगैरह आपको दो मिलते हैं, दोनों यहाँ पे फिक्स रहेंगे, कोई भी एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं रहेगा, ना ही यहाँ पे मिलेगा आपको स्क्रीन के साथ कोई भी आर्म रेस्ट। नीचे सीट्स में यहाँ पे चाइल्ड सीट माउंट्स वगैरह आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये आगे चलते हैं, देखते हैं इसका पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड। सनरूफ वगैरह का ऑप्शन लेना चाहिए तो एक्सम प्लस एस में जाएंगे, आपको यहाँ पे सनरूफ का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस कार के साथ। तो आइए अब निकलते हैं बाहर। डोर्स का मैंने आपको बताई दिया, सारी डोर्स यहाँ पे इसकी इस तरह कुछ 90 डिग्री खुल जाती हैं, तो निकलने एंड बैठने में कोई भी आपको दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे रहेगा उसमें चाइल्ड लॉक, ये हो गए भाई साहब बंद। हैंडल वगैरह भी आपने देखा सेम यहाँ पे रहेगा बॉडी कलर, एंड चाबी तो मैंने आपको दिखाई दी ना। डोर्स में चारों यहाँ पे दिए गए आपको, उसमें पावर विंडोज के कंट्रोल्स, यहाँ पे जाएंगे तो ORBM एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, डोर ओपनर, नीचे स्पीकर्स एंड बॉटल होल्डर देखने को मिलता है कि डोर्स में। पूरी डोर खोल देंगे तो पीछे की तरह इस तरह कुछ खुल जाती है, यहाँ पे पूरी सीधी 90 डिग्री। डैशबोर्ड का व्यू यहाँ पे देखिए, सीट्स वगैरह सारी फैब्रिक की इस तरह कुछ इनकी क्वालिटी। सिर्फ सीट क्लाइंब का आपको ऑप्शन दिया गया, कोई भी हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा इस वाले वेरिएंट के साथ। इंजन टू पेट्रोल, पेट्रोल टू CNG कन्वर्टर स्विच एकदम साइड में। अब आइए चलते गाड़ी के अंदर, फिर देखते इसका पूरा डैशबोर्ड। सो गाइस अभी आ चुका है, देखेंगे टाटा एल्ट्रॉस के अंदर। सबसे पहले ऑन करेंगे इसके यहाँ पे इग्निशन को, तो फुल्ली डिजिटल आपको देखने को मिलेगा इसका। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर्स में रहेंगे, काफी सारी चेक लाइट्स यहाँ पर देखेंगे, न्यू अपडेटेड दिया गया टाटा का लोगो। बाकी स्टीयरिंग व्हील में इस साइड आपको मिलेंगे टेलीफोनिक इन्फोटेनमेंट वाले सारे कंट्रोल। आपको इस वेरिएंट के साथ यहाँ पे टच स्क्रीन एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो कैमरा है कि नहीं चेक करते भाई साहब, बोल तो दिया है भाई साहब, नहीं है भैया, पोपट हो गया, कैमरा वैमरा नहीं है, बाद में आपको लगवाना पड़ेगा एज एक्सेसरीज में। चलिए इसको यहाँ पे कर देते हैं बैक। स्टीयरिंग व्हील की तरफ से ना ये दोनों चीज़ आपने देख ली। एडजस्टमेंट की अगर इसके बात कर ले, ये आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है इसकी स्टीयरिंग। इधर यहाँ पे देखेंगे तो मैनुअल हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स, यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए, डिजिटल पूरा इसका क्लस्टर, जिसमें यहाँ पे काफी सारी चेक लाइट्स वगैरह CNG वाले बार्स आपको मिलते हैं यहाँ पे ऊपर की साइड। इधर यहाँ पे देखेंगे पेट्रोल वाले बार्स, और बाएं साइड में यहाँ पे आपको मिलेगा इसका RPM मीटर। बीच में इसके माइडी स्क्रीन मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देखनी हो ना, जैसे भी ऑडियो देख रहे 58 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और प्रेस करेंगे ट्रिप ए ट्रिप बी, ये काफी सारी चीजें आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, रेंज वगैरह। देन इसके बाद ये हो गया पूरा कवर। अब आते हैं डैशबोर्ड की तरफ, ये इसका देखिए बेहतरीन सा पूरा व्यू। 7 इंचेस वाली यहाँ पे टच स्क्रीन जो पावर्ड बाय हरमन आपको यहाँ पे ऑफर की जा रही है। कनेक्टिविटी आपको इसमें वही एंड्रॉइड, ऑटो पल कार पे, USB ऑक्स, ये सारी कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कैमरा जैसे मैंने आपको दिखाया वो तो भाई साहब आता नहीं है, तो वो आपको लगवाना पड़ेगा एज अ एक्सेसरी। सेंसर की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे हेडलाइट का स्विच, AC वेंट यहाँ पे देखेंगे, पूरा रहने वाला सिल्वर फिनिश। एल्ट्रॉस की यहाँ पे आपको दी गई बैजिंग, आएंगे यहाँ पे मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स, फैन स्पीड वगैरह ऐसे घटा बढ़ा सकते हैं, टेम्परेचर वगैरह यहाँ से, बाकी फ्लो वगैरह के सारे आपको स्विचेस मिलते हैं यहाँ पे साइड में। टाइप ए USB का पोर्ट, या नीचे ही पर रहेगा 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, यहाँ पे ब्रेस है, इस पर आप अपना फोन वगैरह कुछ भी छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। 5 स्पीड इसका मैनुअल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, चाहे तो इसके DC ऑटोमेटिक के साथ भी जा सकते हैं, वो आपको ऑफर किया जाएगा इसके पेट्रोल वेरिएंट के साथ। ये भाई साहब खाली सा दिया गया है, कोई भी आपको चार्जिंग आउटलेट वगैरह पे देखने को नहीं मिलेगा इस वाले वेरिएंट के साथ। इधर यहाँ पे इसकी मैनुअल हैंड ब्रेक, दो ग्लास होल्डर्स, ये डुअल एयरबैग आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलने वाला है इस गाड़ी के साथ, एक रहेगा वहाँ पे, दूसरा दिया जाएगा यहाँ पे। तो भाई साहब 2 एयरबैग सभी आ रहे हैं, बहुत जल्द जो आएगी टाटा एल्ट्रॉस रेसर वगैरह वहाँ पे अपग्रेड किए जाएंगे, आई थिंक 6 एयरबैग्स, इसी वजह से यहाँ पे देखेंगे पॉइंट्स छोड़ दिए गए इसके पिलर्स पे। तो भाई एल्ट्रॉस रेसर का नाम तो ले लिया भाई साहब 2023 से, तो अभी तक भाई साहब आई नहीं, 24 का भी फरवरी निकल गया, 2023 फरवरी में इन्होंने दिखाया था ऑटो एक्सपो में, बट अभी तक आई नहीं भाई साहब शोरूम पे, तो पता नहीं भाई साहब कब तक उसको लॉन्च करेंगे, कब तक आएगी, कोई भी उसकी कंफर्मेशन नहीं है। उसमें तो भाई साहब बड़ी सी टच स्क्रीन, फ्रंट वाली दोनों लेदर की वेंटिलेटेड सीट्स, और भी काफी सारे फीचर्स वहाँ पे दिखा इस कार के साथ। ऊपर देखेंगे नॉर्मल सा ORBM, कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। रूफ लाइट पीली वाली दी गई है, यहाँ पर रहेगा माइक। इधर जाएंगे सनराइजर में देखेंगे दिया गया इसका टिकट होल्डर, इस साइड प्लेन सा रहेगा, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता है इसके सनराइजर में। हैंडल वगैरह आपने देखा, पीछे भी हम लोगों ने पे बैठ के देख लिया इसका बड़े सा स्पेस। तो यही था इस 5-स्टार रेटेड प्रीमियम हैचबैक कार का अंदर का पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड एंड इंटीरियर। अभी ऑफ करेंगे इसका इग्निशन को, फिर चलेंगे गाड़ी के बाहर, दिन लास्ट में बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। और अब बात करें फाइनली अगर इसके इंजन स्पेक के बारे में, तो अभी आप इसका देख रहे हैं 1.2 लीटर में 3 सिलेंडर रिवोल्ट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको 86 BHP की पावर एंड 113 एम के टॉर्क मिल जाता है, समथिंग वही 18 से 19 एम्पीयर का माइलेज। जैसे कि आप इसका CNG वेरिएंट देख रहे हो, तो इसमें आपको पर फिगर थोड़ी कम मिलेगी, इस वेरिएंट के साथ आपको मिलती है 72 PS की पावर एंड 103 NM का टॉर्क मिल जाता है, समथिंग वही 26 का माइलेज जब आप इसको स्विच करके चलाएंगे CNG में। डीजल में जाना चाहे तो आपको उसमें एक 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज रिवोट्रॉन डीजल इंजन ऑप्शन मिलता है, उसमें आपको
88 bhp की पावर एंड 200 nm का टॉर्क मिल जाएगा समथिंग वाइक 20 से 22 एमपीएल का माइलेज इस कार के साथ। एंड अब फाइनली बात आती है इसकी प्राइसिंग की, जो आपका देख रहे हैं एक्सएम प्लस सीएनजी वेरिएंट, ये आपको पड़ेगा 8,45,000 एक्सरूम, 9,60,000 के आसपास जाता है ऑन रोड लखनऊ। यहीं पर अगर आप इसके एक्सएम प्लस पेट्रोल में जाएंगे तो आपको ये जाएगा भाई 8,63,000 के आसपास ऑन रोड। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, 12 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, एक ऑप्शन पर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस 5-स्टार रेटेड प्रीमियम हैचबैक कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो स्टार्टर क्रॉस पे। तो आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।